बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। धोखाधड़ी के मामले में दर्ज केस के लिए गुरुवार को मुरादाबाद पुलिस सोनाक्षी सिन्हा के मुंबई वाले घर पर गई थी। बयान देने के लिए मुंबई पहुंची मुरादाबाद पुलिस को फिलहाल मायूसी हाथ लगी है, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी। सोनाक्षी सिन्हा की मां पूनम सिन्हा ने बताया कि वो शूटिंग के लिए हैदराबाद में है, ऐसे में उनसे बात नहीं हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि अगर सोनाक्षी सिन्हा घर नहीं आती हैं, तो मुरादाबाद पुलिस मुंबई से हैदराबाद भी जा सकती है। पुलिस को इस मामले में सोनाक्षी के बयान का इंतजार है। वहीं सोनाक्षी की मां पूनम सिन्हा ने इस मामले में जांच अधिकारी की बात सोनाक्षी के पिता शत्रुघ्न सिन्हा से फोन पर करवाई। शत्रुघ्न सिन्हा ने पुलिस से कहा कि सोनाक्षी तक आपका संदेश पहुँचा दिया जाएगा, जैसे ही उनको शूटिंग से छुट्टी मिलेगी तब बात हो सकेगी। वहीं आपको बता दें, ये मामला कटघर के शिवपुरी निवासी प्रमोद शर्मा का है। प्रमोद का आरोप है कि दिल्ली में 30 सितंबर 2018 को उन्होंने इंडिया फैशन एंड ब्यूटी अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें अवार्ड वितरण के लिए सोनाक्षी सिन्हा को आना था। जून माह में करार हो गया था। एक वीडियो वायरल कर सोनाक्षी ने कार्यक्रम में आने की जानकारी दी थी। 37 लाख रुपए की रकम मुरादाबाद से ऑनलाइन ट्रांसफर की गई थी। इसमें से 4 लाख रुपए सोनाक्षी के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। बाकी के 33 लाख रुपए अभिषेक की कंपनी टैलेंट फुल ऑन और उनकी पत्नी स्वाति के अलावा आशीष के खाते में डाले गए थे, लेकिन 30 सितंबर को वह कार्यक्रम में नहीं आई। प्रमोद का आरोप है कि उनके साथ 37 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। इस मामले में अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा, अभिषेक सिन्हा, मालविका पंजाबी, ध्रुव मिल ठक्कर, एडगर सक्रिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले में सोनाक्षी सिन्हा के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि ये सभी आरोप गलत हैं। ये सोनाक्षी की इमेज खराब करने के लिए किए जा रहे हैं। वहीं वर्कफ्रंट की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा खानदानी शफाखाना, मिशन मंगल और दबंग 3 में नजर आने वाली हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही इन खबरों के लिए बने रहिए फिल्मी बीट के साथ।